हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे रेसिडुअल थ्योरम से। रेसिडुअल थ्योरम क्या होती है कि हमें लिमिट से निकालना होता है, जैसे इंटीग्रेशन वही करना होता है जो हमने कोची थ्योरम में किया, मगर इस पे हर पॉइंट पे निकालना पड़ता है हमें, और कुछ नहीं है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट पर रेसिडुअल एट जेड इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज़ द पोल ऑफ ऑर्डर एन, एन का ऑर्डर है, यानी एन स्क्वायर, एन एन क्यूब, एन ऑर्डर एन है, इसका ऑर्डर एन होगा, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एन तक। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या था, लिमिट जेड इज इक्वल टू ए वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल डी एन माइनस वन बाय डी जेड एन माइनस वन, और हॉल में आ गया, हॉल ब्रैकेट में है, ब्रैकेट जेड माइनस ए की पावर एन एफ जेड। इसे आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है जेड एफ जेड इज इक्वल टू वन माइनस टू जेड बाय जेड और जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था फ्रेंड्स कि हमारा जो आया था 4π i e की पावर 4 आया था, उसमें हमने ये होता है जेड माइनस ए, तो हमने माइनस यहाँ पर माइनस मिस कर दिया था, तो हमने जेड माइनस टू को 2 ही ले लिया था, मगर हमें माइनस टू लेना था, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप उसको क्लेरिफाई कर लें और उसका आंसर आएगा 4π i e की पावर 4, बस और कुछ नहीं है, उसमें माइनस का चेंज आएगा, उसे देख लें और कर लें। अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस पे हमें हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा कि रेसिड्यूल हमारा हर पॉइंट पे आना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लिमिट फॉर पहले फॉर जेड इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, तो जेड इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं हम पहले। तो इस ये ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जेड इज इक्वल टू 0 पे, जेड इज लिमिट जेड इज इक्वल टू 0, एन की पावर इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 फैक्टोरियल और डिफरेंस इसकी पावर n माइनस 1 का 0 हो जाएगा, n माइनस 1 का 0 हो जाएगा, तो d 1 माइनस 1 का 0 और dz 1 माइनस 1 का 0, और किसी की पावर 0 होती है वो 1 होती है जनरली, और z की पावर a, जो हमारा z की पावर a निकला है उसे कर लेंगे जेड की पावर जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। एफ जेड जो हमारा 1 माइनस 2 जेड 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 माइनस 1 जेड माइनस 2 ब्रैकेट, तो जेड जेड से जेड कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट इसमें पुट कर देंगे, लिमिट इक्वल टू 0 फैक्टोरियल कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 2 जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। तो फ्रेंड्स आपने लिमिट तो पढ़ा ही होगा, लिमिट कैसे रखते हैं हम, लिमिट रखने में कुछ नहीं है, जीरो जहाँ पर जेड है वहाँ पर 0 रख दो, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 जीरो माइनस 1 जीरो माइनस टू, तो 1 बाय -1 माइनस टू, तो ये आ गई हमारी 1/2 आंसर। फोर ऐसे ही हम जेड इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, जेड इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, तो लिमिट जेड इज इक्वल टू
वन विक्टोरिया डी की पावर, हम यहाँ पर हमारा इसकी पावर की जेड जेड माइनस वन की पावर भी वन ही है हमारी, तो ये भी 0 हो जाएगा, डी जेड 0 हो जाएगा, और इसमें पुट यहाँ पर आएगा 2 जेड, और जेड माइनस वन आएगा, जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू, तो इससे ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम 1 1 कर देंगे, जेड की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 पुट करेंगे माइनस 1 आएगी, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 1 और माइनस माइनस से यहाँ पर 1 आंसर आया। फोर जेड इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो लिमिट जेड इज इक्वल टू 2, तो हमारी जे उसकी पावर सेम ही थी, तो फैक्टोरियल डी 0 डी जेड 0 जेड माइनस 2 और माइनस जेड और माइनस 2 जेड डिवाइडेड बाय जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जेड की वैल्यू पे 2 पर कर देंगे तो 1 माइनस 4 2 1, तो हमारा वैल्यू आई -3 -3/2, और इनको ऐड कर देंगे जेड 1 जेड जेड 2 और जेड 3 का, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम आगे करेंगे इंटीग्रेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।